इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं मैंने लास्ट वीडियो तक 40 क्वेश्चन पूरे आपको करा दिए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही सही सुव्यवस्थित तरीके से आपको कराए हैं। आई होप कि आपको हमेशा की तरह ही ये लेक्चर भी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आप सभी को रेगुलर नोट्स बना के चलना है और अपना प्यार भी वीडियो को देते चलना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट। टाइप होगा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट। अब मेरे ख्याल से ये टाइप जो है हमारा यहाँ पे ये 4 नंबर का टाइप होगा, ठीक है, टाइप नंबर 4। टाइप वाइप से मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। अच्छे अच्छे सवाल हैं, सस्ते सस्ते से, ठीक है, मज़ा आएगा आपको करने में और बहुत ही छोटे सवाल हैं आज के, ठीक। तो देखिए, एक संख्या को जब 49 से भाग किया जाता है, कोई संख्या है, पहले मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, हालांकि बता चुका हूँ क्योंकि आज स्टार्टिंग है, तो एक क्वेश्चन का तो बेसिक दोबारा से बता देता हूँ। एन है कोई संख्या, इसको 49 से भाग किया जाता है, शेषफल 32 आता है। तो जब भाग देंगे तो कुछ इस तरह से लास्ट में क्या बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 32, ठीक है। तदनुसार यदि उसे 7 से भाग दिया जाए, मतलब इसे, इसी संख्या को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा, शेषफल पूछता है। अब देखो, मैं आपसे इतना कहता हूँ कि अगर ये संख्या 49 होती, एक बेसिक आइडिया लेता हूँ, अगर ये संख्या 49 होती तो 49 से 49 पूरा पूरा कंप्लीट कट जाता और शेषफल क्या बचता, 0 बचता, 32 ना बचता। 49 से 32 ज़्यादा कर देता हूँ मैं संख्या को, 49 से 32 ज़्यादा, तो 49 प्लस 32। अब शेषफल 32 बचेगा, ठीक है भाई, क्योंकि 49 से 49 पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 32। इसका मतलब मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया कि मेरी जो संख्या है, मैं ऐसे मान लेता हूँ 9 और 2 11, ठीक है, 81 हो गई। कितनी हो गई, 81, ठीक, कितनी हो गई, 81। यदि हम 81 को, अब हमारे पास संख्या कितनी है, 81, 81 को अगर हम 7 से भाग दे दें, 81 को यदि हम 7 से भाग दें तो 77 आएगा और जो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा हमारा रिमाइंडर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 41वें का 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना इसमें, ये तो मैंने आपको एक लॉजिकली वे में बताने की कोशिश की है। कैसे करेंगे आप इस सवाल को, जिसका बहुत ही सीधा सिंपल सा तरीका है और बहुत ही लोग जानते हैं इस तरीके को पहले से ही, तो इतना कोई इसमें जीझने वाली बात नहीं है। शेषफल कितना बच रहा है ये देखना है, 32 शेषफल आता है, 49 से भाग करने पर शेषफल 32 आता है, तो इस शेषफल को हम लोग 7 से भाग कर देंगे, बस जो शेषफल आया उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहेगा शॉर्ट तरीका करने का, जो शेषफल आया उसे 7 से भाग कर देंगे, दैट्स इट। आगे देखिए, 4 अपना आंसर है यहाँ पर। 42, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम सवाल है और आपको जल्दी से अपने कमेंट में आंसर करना है, अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, 35, 115 शेषफल बचता है, कितना बचता है शेषफल, 115, 35 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, 35 थी या 105, 105 तो 10 शेषफल बचेगा, 10 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अपना 43 में क्या कहा गया, एक संख्या x को 289 से डिवाइड करने पर 18 शेष बचता है, 18 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 17 कम 17, 1। मैंने कहा जहाँ जहाँ 17 वहाँ वहाँ खतरा, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं था, आंसर आ गया है 1।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर का सवाल। जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 बचता है, यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए। तो भाई पहला शेषफल कितना बचता है? 29, इसको 8 से विभाजित कर देंगे, 8 या 24, आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, तो 44 का आंसर नंबर आ जाएगा आपका 5। ठीक, आगे देखिए जरा सा 45 नंबर का। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से भाग करने पर 45 शेषफल बचता है, 17 से भाग करने पर कितना बचेगा? 45 शेषफल बचा, 17 से भाग करेंगे, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 11। 11 आंसर आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट 46, 46 देखते हैं क्या सवाल है। विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही तुन्नुक तुन्नुक से सवाल है, बहुत ही माड़े माड़े से सवाल है, बहुत ही आसान। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा भारी तो ये भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, समझिएगा। कहा गया है विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 10 गुना। देखो ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर बीच में लिखते हैं भाज्य आधा जय वाला, यहाँ पर लिखते हैं भागफल। एक बार बता के चल रहा हूँ, दोबारा से सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं इसको? भाजक या विभाजक, भाजक या विभाजक। ठीक है, यहाँ पे जो बचता है लास्ट में शेषफल बचता है, वो कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है जो ये है विभाजक, ये भागफल का 10 गुना, जो यहाँ पे संख्या होगी उसका 10 गुना ये होगा। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो कुछ भी हो, शेषफल का यही संख्या कितने गुनी है? 5 गुनी। अब देखते हैं आगे क्या कहा। यदि शेषफल 40 है, तो देखो शेषफल कितना दे दिया? 40। 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा? ये 200। 40 का 5 गुना करेंगे 200 आएगा। अब 200 कब आया ये? भागफल का 10 गुना होने के बाद। अगर किसी संख्या का 10 गुना 200 है तो इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी? 20। सिंपली ये है, हम जानते हैं हम ये संख्या कैसे निकालते थे, भाज्य कैसे निकालते थे, इसकी और इसकी गुणा करते थे, 4000 आएगा, शेषफल जोड़ते थे 4040। तो ये जो आंसर आ जाएगा 40 40, जो भाजक भाज्य होगा, भाज्य क्या? भाज्य यानी कि संख्या, संख्या होगी आपकी 4040। दिस इज़ योर छोटा सा आंसर। ठीक है भाई, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना प्यार हमें दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा। वीडियो को शेयर भी आप लोग ज़रूर किया करिए और अपने कमेंट भी ज़रूर किया करिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, 4040 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47वां देखते हैं, क्वेश्चन हम बहुत जल्दी निपटा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बड़ी जल्दी अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यदि कोई संख्या 175 से भाग किया जाता है उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है, शेषफल कितना आया? 132। शेषफल 132 है, 25 से भाग करना है, 25 पंजे 125, 7 बचेगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अगले सवाल में क्या कहा गया? किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है, 13 से भाग करने पर क्या आएगा शेषफल? 13 से भाग करने पर क्या आएगा? 13 कम 13 4 जाएगा। 49वां सवाल, नेक्स्ट। एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 आता है, उसी संख्या को 31 से भाग करने पर कितना आएगा? 65 आया, 31 से भाग करना है, 31 दूनी 62 कितना बचेगा? 3। इन बीन तोता 3। ठीक है, कितना आ गया? इन बीन तोता 3। ठीक, 49वें का पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, काफ़ी स्पीड से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत स्लो समझा रहा हूँ, तो अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, करते चलेंगे आगे। देखो 50वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50वां क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में मैं पहले से ही बहुत ही प्यारे से कलर में लिखता हूँ, 50वां क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखना जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, बड़े ध्यान समझना। विभाजन के एक प्रश्न में भाग का एक सवाल है, इसमें भाजक भागफल का 4 गुना है
और शेषफल का 2 गुना। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। उसने भाजक यानी के ये 4 गुना है इसका, इसका 4 गुना ये है, ठीक, और शेषफल का 2 गुना। तो शेषफल यहाँ पर बचेगा इसका, ये क्या है, डबल है, ये डिटेल हमें दी हुई है। अगर शेषफल मिल जाए तो बात बन जाएगी। देखते हैं आगे क्या कहा। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य, ए तो है भाजक, ए है भाजक और बी भाज्य है, भाज्य का मतलब जिस संख्या को आप भाग दे रहे हैं। तो उसने क्या कहा भाई, और भी कुछ कहा है क्या, शेषफल का 2 गुना। एक बार बताओ, अगर हम ये एक मान लें, एक, तो एक का 4 गुना 4 आएगा, एक का 4 गुना 4 आएगा, और शेषफल का ये डबल है, मतलब यहाँ पे अगर 2 रख दें तो 2 का डबल 4 आ जाएगा, काम सेट हो गया बिल्कुल, ठीक। अब देखो, ये संख्या भाज्य या बीच वाली वैल्यू जिसको भाग देते हैं कैसे निकलती है, 4 ही कम 4 शेषफल जोड़ेंगे, ठीक है, 4 ही कम 4 शेषफल जोड़ेंगे, 6 आ गया, तो ये संख्या आ गई 6। फाइनली अपने पास ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक। ऑप्शंस हमें कुछ अजीब और गरीब तरीके से दिए गए हैं। जब हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो हम पहले दूसरे तीसरे चौथे पे चेक करते हुए आएंगे, ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे, ए इंटू ए प्लस 2 अपॉन बी, इसके बराबर 4 दिया हुआ है, देखते हैं क्या बात बनती है क्या। ए की वैल्यू रखेंगे 4, ए की वैल्यू 4 और 2 कितना हो गया, 6, नीचे बी की वैल्यू 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा 4, इसमें भी 4 ही दिया हुआ है। इसका मतलब ए और बी की ये वैल्यू इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल 2011 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल के प्री एग्ज़ाम में, हालांकि अभी भी पूछे जाते होंगे, ऐसा नहीं है। तो किरण की बुक से अगर हम देखें एसएससी सीजीएल के हिसाब से, तो उसमें ज़्यादा पता लगता है हमें कि कौन सा क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया। इन बुक्स को क्या है कि अपडेट कम किया गया, इन किताबों को, जो कि एक गलत चीज़ है, अपडेट इनको हर साल किया जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये कमी है इस किताब की और आर एस अग्रवाल की, दोनों किताबें अपडेट नहीं कहेगी बिल्कुल भी। देखो 51 नंबर का सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की, अच्छा क्वेश्चन है, 51 नंबर सवाल भी अच्छा है, बहुत सही और ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। देखो समझना है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको क्या कह रहा है वो कि 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो जब 9999 307 से पूरी तरह कटेगा तो ये मान के चलिए कि आप लास्ट में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0, लास्ट में रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, पूरी पूरी संख्या तभी कटती है जब लास्ट में भागफल कितना बचे, 0। क्वेश्चन में बात किया उसने कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, इस शब्द को अंडरलाइन करना, इस वाक्य को अंडरलाइन करना, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपना 3 बार भाग लगाएंगे, 921 आएगा, 307 से 3 बार पढ़ेंगे 921, 8 बचेगा, इधर 7 बचेगा, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, उतार लिया हमने नेक्स्ट 9, फिर हम 2 टाइम्स भाग देंगे तो 614 जाएगा, ठीक है, 614 घटा के देखते हैं कितना बचेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, 175 आया। अब क्योंकि वो इस संख्या में जो 9999 है इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब अभी 175 शेषफल बच रहा है, एक बात समझो ध्यान से, अभी शेषफल 175 बच रहा है। अच्छा वो पूरी पूरी काटने की बात कह रहा है, शेषफल कितना आना चाहिए, 0, शेषफल 0 आना चाहिए क्योंकि पूरी पूरी काटने की बात कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि क्या संख्या जोड़े इसमें छोटी से छोटी जो ये 307 से कट जाए। मुझे आप एक बात बताइए,
जब 307 से कटेगी तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए थी कि जिस पे 307 का पहाड़ा पूरा पूरा चल जाए। 307 का पहाड़ा यहाँ पे पूरा पूरा चलना था, तो शेषफल क्या बचता? जीरो। इसका मतलब पूरी कट जाती। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें, ऑप्शन है पहला 75, 232, 132, 43। ऑप्शन देखने से साफ साफ पता लगता है कि अगर यहाँ 132 जोड़ते इसमें हम, 132 जोड़ते इसमें हम, तो ये 7, 7, 3, 10 की 0, 1 और 1 2 और 1 3। अगर यहाँ 175 ना होकर के 307 होता तो 307 पर 307 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता और लास्ट में शेषफल क्या बचता? जीरो बचता। लेकिन था यहाँ पे कितना? 175। तो 175 को 307 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड किया हमने? 132। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 132 आएगा। इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर 9999 में आप 132 ऑलरेडी जोड़ करके चलें तो ये कितना आएगा हमारे पास? 11 का 1 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10। यानी कि अगर आप इसे 307 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा आपका? जीरो आएगा। तो ये है इस सवाल का मतलब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एज आई होप कि बहुत क्लियर कट समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा काम इसमें नहीं करना, ठीक है? सिंपल भाग भाग देना, ये बहुत आसान काम है। ठीक, कर लेंगे पक्का, बढ़े आगे। ठीक है, लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए वीडियो को, लाइक करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 52 पर। 52 पर सभी साथियों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट thelifistudy.com, एक तो वेबसाइट से आपको हमारा सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है। उसमें आपको मैथ के चैप्टर की पीडीएफ, जो मैं क्लास में काम करा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, उसके हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए गए, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको वेबसाइट से ही अवेलेबल हो जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट करंट अफेयर की पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वो वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, ठीक है? क्योंकि वेबसाइट पे सारा सीक्वेंस में पड़ा है सब कुछ, बाकी आप जैसा अच्छा समझें। आगे सवाल पे चलते हैं हम लोग। 52, 52 भी अच्छा क्वेश्चन है, सही और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखना, बड़े ध्यान समझना इसको भाई। जब एन को 5 से डिवाइड किया जाए, एन कोई संख्या है, एन क्या है? कोई संख्या। 5 से डिवाइड करते हैं तो शेष वाला फल कितना बचता है? यहाँ पर 2 शेष फल आता है, शेष फल आया 2। उसने क्या कहा? यदि एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करा जाए तो शेष फल क्या आएगा? तो शेष फल क्या आएगा? याद कीजिए, जब मैंने आपको बेसिक लेक्चर कराए थे, बहुत ही धूमधाम से बताया था कि आपको कि ऐसे सवाल कैसे करते हैं। मैंने कहा था जो आप संख्या के साथ छेड़खानी करेंगे वही सेम छेड़खानी आपको शेषफल के साथ करनी है। आपने संख्या संख्या का किया स्क्वायर, तो भैया शेषफल का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड तो 5 से ही करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 4 को तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है। ये आपका आंसर आ गया। अगले सवाल की ओर कूच करते हैं, अगले सवाल की ओर क्या करते हैं? कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर है अब आपका यहाँ पर 53। 53 सवाल वही सवाल है पहले वाला ही, 53 आप खुद करेंगे। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो, ये ऐसा ही सवाल है जैसे कि अभी हमने आपको 51वां कराया। आप इसको ट्राई कीजिए और मैं फिर आपको सॉल्यूशन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 का देखिएगा ज़रा ध्यान से, आपको ट्राई करना है पहले क्या आंसर आता है आपका। अपना पानी भी नाप लिया करें आप कभी कभी। देखो, 4 अंकों की संख्या वही होती है, 9 9 9, सबसे बड़ी संख्या यही है 4 अंकों की। ठीक, आगे देखिएगा ज़रा,
कह रहा है 345 से विभाजित हो जाए, 345 से विभाजित हो जाए और पूरी पूरी काटने की बात कह रहा है, ठीक है। तो पूरी पूरी काटने का मतलब जस्ट सेम है, शेषफल क्या आना चाहिए, 0, 2 बार भाग जाएगा 690 हो जाएगा, 3 बार नहीं दे सकते यहाँ पे, 0 घटेगा तो 9 बचेगा, 0 और यहाँ पे बचेगा 3। आगे फिर हम यहाँ पे 9 उतारेंगे, ठीक है, अब तो मजबूरी है, 9 उतारेंगे, 9 उतारा हमने यहाँ पे ये। अब हम जरा इससे भाग देंगे भाई, 4, 5, 6, 6 18, 6 चौक 7, अगर हम 7 बार भाग दें, 8 बार दें, 8 से 24, 9, 9 बार भाग देते हैं, ठीक है, 9 चौक 36 ज़्यादा जाएगा, तो 8 बार भाग देते हैं, 345, 345 में 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2400 आ जाएगा, 8 से 24 और 45 से 360 तो जाएगा 3060, तो ये अपना जो आएगा 3060 आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, 9, यहाँ से कितना बचेगा, 3, तो 39 आ गया अपना। अब आप एक बात का ध्यान दीजिए, 39 आया ना, अगर यहाँ 345 ही होता तो ये पूरी पूरी कट जाती संख्या। तो अब जरा ऑप्शन से चेक करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमारी बात बन सकती है, ठीक है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से, कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हुई हमारी, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, 345 से 2 बार गया तो 90 और 600, ठीक है, ये हो गया, 9 बचा अपना, 9 में से 9 गया 0 और अपना यहाँ पे बचा 3, हमने उतार लिया 9 और हमने फिर भाग दिया 8 बार, 8 से 24 और 8 चौक 32, 8 पंचालीस 360, 3060, 9 बचा यहाँ से, यहाँ से बचा 3, ठीक है। अब देखो हमें इसमें छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें, जो ये पूरी पूरी जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है भाई, ठीक है। हाँ यहाँ पे कुछ मुझे, एक मिनट जरा, ये 360 हो गया ना, अच्छा अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, ये 2760 आएगा भाई, कहाँ जा रहा है दिमाग, 2760, देख लो भाई, जब दिमाग पे उल्लू बैठता है तो कैसे कैसे काम होते हैं, गुना भी गलत हो, ये बताओ कैसे मास्टर हैं हम, गुना भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मामला, अब 9 बचा, 3 बचा और यहाँ से कितना बचा, 3, ठीक है, हमें ही पसीने आ गए थे यार, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, तरीका तो सही है। तो इसमें अगर यहाँ 345 ही होता तो कब होगा 345, जब इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ते ही 345 बन जाएगा और ये 345 इससे बचेगा थोड़े ही, फिर से शेषफल कितना बचेगा, 0, इसका मतलब 9999 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 ही वो छोटी छोटी संख्या है, 6 के अलावा 339 में ऐसी बहुत सारी संख्या जोड़ी जा सकती है जो 345 से कटेंगी, लेकिन उनमें सबसे छोटी क्या होगी, 6 होगी, ये है इस बात का सही मतलब, ठीक है, ये है इस बात का सही मतलब। ऐसी हजारों संख्याएं होंगी जो यहाँ पे जोड़ करके 345 से उस संख्या को काटा जा सकता है, लेकिन उन सभी में सबसे छोटी होगी 6, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, तो ये भी अच्छा सवाल था, उसी के जैसा था हालांकि, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, 55 में कह रहा है भाग के एक सवाल में, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, 55 नंबर का सवाल थोड़ा सा ठीक है। देखो वो कह रहा है भाग के एक सवाल में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, भाजक मतलब जो भाग देता है, भाजक मतलब भाग, 36 से भाग देना था किसी संख्या को, लेकिन उस भाई ने गड़बड़ी कर दी क्योंकि उसको नींद आ रही थी, उसने 36 की जगह 63 ले लिया, उसी संख्या को 63 से भाग दे दिया 36 की जगह, और शेषफल कितना बचा दिया उसने, शेषफल नहीं सही उत्तर, उसका सही उत्तर 24 था, सही उत्तर तो भागफल ही होगा ना, किसी संख्या को 36 से भाग देना था n को, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि उसने 63 से गलती से लिख दिया, 63 से भाग दिया और उसका जो उत्तर है 63 वाले केस में कितना आया, 24।
24 उत्तर आया, इसका मतलब शेषफल क्या आया होगा? जीरो, क्योंकि शेषफल की जिक्र नहीं है। शेषफल जीरो आएगा क्योंकि 63 से 24 बार कटेगा, इसका मतलब शेषफल जीरो आएगा। ये संख्या निकाल लेते हैं हम एन। ये संख्या हम कैसे निकालेंगे हम लोग? इन दोनों की गुणा प्लस ये शेषफल, तो क्या लिख सकता हूँ? 63 गुणा 24। सीधे ये बोल दूँ कि 63 गुणा 24 होगी वाली संख्या। तो संख्या तो दोनों जगह सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी 63 गुणा क्या आएगा 24। वो क्या पूछ रहा है? सही उत्तर। तो हमारे पास संख्या तो वही है दोनों केस में। आंसर जो उत्तर जो गलत आ रहा था वो ये गलत होने की वजह से आ रहा था, 36 लेना था लेकिन ले लिया 63, इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा था। अब हमने ये सही ले लिया तो आंसर हमारा सही आएगा। 63 गुणा 24 को जैसे हम लोग 36 से भाग लगाएंगे तो बड़ा खुशी का माहौल होगा आपके मन में। 12 3 36, 12 2 24 और 63 कटेगा 21 बार, और 21 दुनी दुनिया जानती है कितना आएगा, 42। 21 दुनी क्या आएगा हमारा? 42। ये हमारा 42 सही जवाब होगा। ठीक, 42 इस सवाल का सही जवाब होगा। जल्दी से इस सवाल को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर छापिए, ठीक है, और वीडियो कर दीजिए लाइक। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग 56वें सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर सवाल को देखिए, बड़ा आसान सवाल है 56 भी, एक बार दर्शन कर लेते हैं, आइए। ठीक है, 56 सवाल में कहा गया, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 15 गुना। 56वां सवाल, भाग का एक सवाल है, भाग का सवाल तो ऐसे होता है। क्या कहा उसने कि भागफल 12 गुना है, जो ये है भागफल का 12 गुना, ऐसे लिख लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छा समझ में आए। शेषफल का कितने गुना है ये? शेषफल का है ये 5 गुना, और शेषफल के क्या हालात हैं? शेषफल दे रहे 36, 36 का ये 5 गुना कितना हो गया? 80। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 12 गुना करने पे 180 आता है? ऐसी संख्या है 15। क्या निकालना है? निकालना है हमें वो संख्या, भाज्य निकालना है। भाज्य, भाज्य मतलब संख्या जो बीच में लिखी होती है। हम क्या करेंगे, 15 गुणा 180 करेंगे। संख्या हमारे पास क्या आएगी? 180 गुणा 15, और इसमें हम प्लस कर देंगे कितना? 36। ठीक, तो सिंपल है, 15 8 120 यानी कि 0 0 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 17, 2700 और प्लस 36 यानी कि आंसर आएगा 2736। तो जो भाज्य होगा वो 2736 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो इतने ही आसान सवाल हैं, बहुत ही कम समय आपको लगेगा, ये शॉर्ट ही है, बस ये ही शॉर्ट है इन सवालों का। ठीक, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट है ही नहीं इन सवालों का, इससे ज़्यादा शॉर्ट ये कि आप आंसर रट लो सीधे सीधे, बस रटे जाएंगे नहीं आपसे कभी भी। अगला सवाल क्या है, यदि ए 228 को विभाजित करता है। देखो, ए जो है कोई संख्या है, 228 को ए विभाजित करता है और 18 शेष देता है। जब भाग किया 228 को ए से तो शेषफल कितना आया? 18। कोई बात नहीं भाई, 18 आ गया शेषफल। ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? हमें ए का मान निकालना है दो अंकों का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहा है? विभाजित करता है 18 से बचता है, ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, बड़े गौर से समझना, देखो ध्यान से। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं एक बात मुझे बताओ, आप खुद सोचिए, 18 शेषफल क्यों बच रहा है? क्योंकि 18 इसमें फालतू है, क्योंकि 18 इसमें फालतू है। अगर 228 ए से पूरा पूरा कट जाए, अगर 228 ए से पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? जीरो। और शेषफल जीरो कब बच सकता है? जब 18 माइनस 18 यानी कि क्या हो? जीरो। यानी कि 228 में से 18 घटा दें, संख्या अगर 210 हो, 228 की जगह अगर संख्या 210 हो तो ऐसे पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल क्या बचेगा उस समय? जीरो बचेगा। अब देखो, 210 पूरी पूरी कटेगी, इसके फैक्टराइज करो, 7 गुणा 3 2 गुणा 5। अब दो अंकों का सबसे बड़ा मान निकालना, देखो दो अंकों का मान यहाँ से 21 आएगा, 7 3 21, 7 2 14 आएगा, और 7 5 कितना आएगा? 35।
और भी आ सकता है क्या? आ तो और भी सकता है, 5 दूनी 10, ठीक, और 5 तिया 15, ठीक है, तो यही मान पॉसिबल होंगे, उनमें सबसे बड़ा मान क्या है? 35। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो 35 होगा, सबसे बड़ा मान, ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा? 35, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी द इज़ द राइट आंसर, ठीक है, चले आगे चले 58 पे। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए तेज़ी से। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 58। 58 जैसा सवाल जा चुका है, करना तो हमें है ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिएगा, एन एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से भाग दिया जाता है। एन एक पूर्ण संख्या है, 4 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। उसने क्या कहा? 2n को 4 से विभाजित करेंगे, तो 2n को 4 से विभाजित करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? मैंने कहा संख्या के साथ जो छेड़खानी करेंगे वही शेषफल के साथ करेंगे। संख्या कर दी डबल, शेषफल भी कर देते हैं डबल। 4 को 6 से भाग करना है, गली मोहल्ले का बच्चा भी बता देगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो आपका 58 का आंसर यहाँ से क्या आएगा भाई? 2 आएगा, ठीक है। 59वां सवाल, 59वां सवाल जो है अभी मैं आपको बताने के मूड में नहीं हूँ। रीज़न पहले देख लेता हूँ मैं, क्या सवाल है? के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, देखो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, और इसके जो फैक्टर हैं वो विषम विभाजक बताने हैं कि 1848 को कितने विषम विभाजक काटते हैं। मैं इसके ऊपर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस पे पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी आप 59 नंबर को छोड़ के चले, क्वेश्चन नंबर 59 को छोड़ के चले, कॉपी में या तो बाद में कर लेना या अभी स्पेस छोड़ दो एक पेज का, ठीक। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए, वो मेरा काम है। अगला जो सवाल है वो यूनिट डिजिट पर है या डिविजिबिलिटी रूल पर है? डिविजिबिलिटी रूल पर है। 60वां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूरी पूरी कटेगी? 25 से वही संख्या पूरी पूरी कटती है जिसके लास्ट के दो डिजिट 25 से पूरे पूरे कटेंगे, क्योंकि 25 है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या इशारा कर रहा है? 2, 2 मतलब लास्ट के 2 अंक। तो 30, 33, 75, एक ही संख्या दिखाई दे रही है, 30, 33, 75, लास्ट के दो डिजिट यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, इस संख्या कटेंगे। तो 60वें सवाल का आंसर जो है 30, 33, 75, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपके, ठीक है भाई, पक्का समझ में आ गया, चलेगा। अब हम यहाँ पे अगले जो टाइप है, जो अगला जो टाइप है, इसमें कितने सवाल हैं यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ। इसमें यहाँ पर 61 से स्टार्ट है और 68 तक हैं, और उससे जस्ट अगले टाइप में 6 सवाल हैं, यानी कि 61 से उन ये हो जाएंगे पूरे 9 सवाल हो जाएंगे, पूरे 9 और 5 14 सवाल हैं, और इससे अगले टाइप में, हाँ, आज हमने कितने सवाल किए? आज हमने 40 से लेकर 60 तक सवाल किए हैं, हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन बहुत छोटे क्वेश्चन थे। आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक सवाल आपको क्लियर होगा। अभी आप इसको लाइक करिए वीडियो को, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है, लाइक करिए ज़रूर। तो यहाँ पर मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ आपके लिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको टाइप नंबर नेक्स्ट जो 61 से आगे के सवाल हैं, मैं आपको 61 से कराऊंगा पूरे 84 तक सवाल, 61 से 84 तक, यानी कि लगभग हम 20-22 क्वेश्चन, 22-23 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज भी मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और ऐसे ऐसे करके जल्द ही इस लेक्चर को हम एंड कर देंगे, इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज लीजिए। बाय, गुड नाइट, टाटा।